तो हम बात कर रहे हैं कैलेंडर की। कैलेंडर से आपका लगभग लगभग सी सेट में एक या दो क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है, ठीक है ना। तो हम कैलेंडर की शुरुआत करते हैं। कैलेंडर से नॉर्मल क्वेश्चन आता है, बट कभी कभार क्या होता है इससे जो है कोई कुछ जो है कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी जो है पूछे जाते हैं। तो हमने जो है समझना है कैलेंडर को। कैलेंडर आपका 2 क्लास में ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक से समझने की कोशिश करना है। तो पहले जो है जैसे जैसे मैं दिखाता रहूंगा आपको जो है साथों साथ उतारते रहना। समझ गए भी? ऑनलाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इशू वगैरह कोई साउंड वगैरह करो तो बात करो। देखो हम जैसे बात करते हैं कैलेंडर की, तो कैलेंडर पढ़ते समय ही आपके दिमाग में एक बात आती है, किसकी? भाई आप मुझे बताओ एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो आप कहोगे 365 दिन। फिर तभी कुछ बच्चे कहेंगे सर 366 दिन भी होते हैं। अब बात की जाए कि अगर ये कहाँ तो 365 दिन होते हैं और कहाँ 366 दिन होते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक बार तो एक जब आप बताओ फरवरी कितने की होती है, आप कहोगे 28 की। कुछ बच्चे बोले हैं कभी कभार फरवरी हमने जो है 29 की भी देखी है। देखी नहीं देखी? कहने का मतलब ये है कि जिस वर्ष में 365 दिन होते हैं, मतलब जिसके अंदर फरवरी कितने की होती है, 28 की होती है, तो उसे तो आप बोलते हो क्या नॉर्मल ईयर, ठीक है ना। और जिसमें फरवरी होती है 29 की, उसे आप बोलते हो क्या लीप ईयर। क्या बोलते हो उसे? लीप ईयर। अच्छा नॉर्मल ईयर लीप ईयर ये ऐसा बनता क्यों है? तो हल थोड़ा बहुत ज्योग्राफी वाले सर ने पढ़ा रखा होगा आपको, बाकी जो कसर है वो सब मैं पूरी करा दूंगा, ठीक है ना। एक बेसिक ज्योग्राफी की समझ आपको होगी ही। तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर की बात जो है हम समझ गए। देखो लीप ईयर वह होता है जिसमें फरवरी कितनी की होती है, 29 की। नॉर्मल ईयर वह होता है जिसमें फरवरी कितनी की होती है, 28 की होती है। बात क्वेश्चन मेरा अगला ये है कि अगर हम इसकी बात करेंगे, इसकी पहचान कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई इसको कैसे करेंगे। देखो यदि कोई ईयर्स, यदि कोई वर्ष 4 से कंप्लीट डिवाइड है, यदि कोई वर्ष 4 से कंप्लीट डिवाइड है, तो वह जो वर्ष होगा वह क्या कहलाएगा, लीप ईयर कहलाएगा। वह वर्ष क्या कहलाएगा, लीप ईयर। यदि कोई ईयर्स 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं है तो वह क्या कहलाएगा, नॉर्मल ईयर। तो आप इसमें लिख सकते हो, इसकी पहचान में लिख सकते हो, इट इज डिविजिबल बाय 4, इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। यह 4 से पूर्णतः विभाजित है। समझ रहे हो ना? देखो यदि कोई वर्ष 4 से कंप्लीट डिवाइड है तो वह क्या कहलाएगा भाई, लीप ईयर। और यदि कोई वर्ष 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं है, इट इज नॉट कंप्लीट, यह जो है यदि कोई वर्ष जो है 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं है तो वह क्या कहलाएगा आपके पास, नॉर्मल ईयर। ये पहचान होती है। अब यहां से हम बात समझने की कोशिश करते हैं। लगभग आप मान के चलो आधा घंटा आपको लगेगा इसका बेस समझने में। हाफ आवर्स के बाद जो है आपको चीजें क्लियर होनी स्टार्ट होंगी। अब हम बात करते हैं इसकी पहचान की। तो मैंने आपके पास एक क्वेश्चन पूछा, जैसे आपके पास ये बोला 9886, ये आपके पास क्वेश्चन है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप मुझे बताओ यह जो ईयर है यह लीप ईयर होगा या नॉर्मल ईयर, तो बताओ कैसे क्या होगा ये। अगले पेज पे चलते हैं। देखो एक लीप ईयर है और एक नॉर्मल ईयर है। लीप ईयर की जो हमने पहचान बताई है वह क्या क्या होती है, 4 से कंप्लीट डिवाइड होता है, तो भी यह तो जो है 4 से कंप्लीट डिवाइड होगा। जो नॉर्मल ईयर होता है यह 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है। मैंने क्वेश्चन मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि आप मुझे बताओ 9 8, यह बताओ ये लीप ईयर होगा या नॉर्मल ईयर होगा। तो आप कहोगे कि 4 से जो है कंप्लीट डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, तो आप इसे 4 से इस तरह से कंप्लीट डिवाइड करोगे। सर 26 होगा सर, मतलब जो बचा है वो 26 होगा ना। अच्छा आप इसे ऐसे जो है कर रहे होगे, आप ऐसे देख रहे हो कि ये जो है कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर जो है आपके पास क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। कंप्लीट डिवाइड का मतलब जो है पॉइंट 2 में कुछ नहीं बचना चाहिए। बट इसकी बात जो है हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखो 4 का जो है एक 4 की डिविजिबिलिटी का एक रूल होता है। यदि किसी नंबर को आपने चेक करना है कि वह नंबर जो है 4 से कंप्लीट डिवाइड है या नहीं है, तो आप क्या काम करो, आप उस नंबर के लास्ट क्या काम करो, लास्ट के 2 डिजिट को आप जो है डिवाइड करके चेक करो। किसको? लास्ट 2 डिजिट को। तो आप मुझे बताओ इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, तो इसकी लास्ट 2 डिजिट होंगे क्या, 86। आप मुझे बताओ कि 86 86 जो है 4 से कंप्लीट डिवाइड है, तो आंसर है नो।
तो इसलिए यह क्या होगा, यह होगा नॉर्मल ईयर। तो कहने का मतलब यह है कि यदि किसी ईयर की आपको पहचान करनी है कि कौन सा वर्ष जो है नॉर्मल ईयर है और कौन सा आपके पास लीप ईयर है, तो आपको क्या पहचान करनी है, उसका लास्ट का जो है ईयर, मतलब लास्ट टू डिजिट चेक कर लेनी है। लास्ट क्या चेक करनी है, टू डिजिट। जैसे मैंने अब आपके पास यही क्वेश्चन मैं आपको रिपीट करा के लिखा दे रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन था 1986, आप मुझे बताओ इसकी लास्ट टू डिजिट क्या है, तो लास्ट टू डिजिट क्या है, 86, तो 86 4 से डिवाइड है, नहीं है, इसलिए यह क्या होगा, नॉर्मल ईयर। इसी तरह से आपके पास मैंने एक क्वेश्चन आपसे यही पे पूछ लिया, क्या ये बताओ क्या होगा, नॉर्मल ईयर, क्योंकि लास्ट टू डिजिट को आपने जो है चेक करना है। इसी तरह से मैंने आपसे बोला, अब बताओ यह क्या होगा, लीप ईयर, क्यों, क्योंकि लास्ट टू डिजिट किससे डिवाइड है, 4 से, तो 2016 आपके पास क्या होता है, लीप ईयर होता है। और इसी तरह से आपके पास जैसे मैंने बोला नए, बताओ यह क्या होगा, लीप ईयर होगा, भाई लीप ईयर होगा ना। तो कहने का मतलब यह है कि अब आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हो, क्या कि जो वर्ष 4 से कंप्लीट डिवाइड है वह क्या होगा, लीप ईयर, और जो है जो 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं है वह क्या होगा, नॉर्मल ईयर। इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं, यहां तक तो आप समझ गए ना। अब इस बात को और आगे जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो अब कोई क्वेश्चन आपसे, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ कौन सा वर्ष लीप ईयर है और कौन सा नॉर्मल ईयर है, तो आप जो है बता दोगे, जैसे आप यहीं से देख रहे हैं, अब मुझे बताओ यह कैसा वर्ष है, नॉर्मल ईयर या लीप ईयर, नॉर्मल ईयर है, ठीक है ना। चलो अब आप जो है ये वाली बात समझिए। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या कि आप मुझे बताओ 3000 यह कैसा ईयर है, यह नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है जी, सेंचुरी है। पहले बताओ क्या ये 4 से कंप्लीट डिवाइड है, तो 4 से कंप्लीट, वेरी गुड, देखो कहने का मतलब ये है। अब अच्छा मुझे बताओ 2000 ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, क्या है, लीप ईयर है। देखो 4 से ये भी कंप्लीट डिवाइड है और 4 से ये भी कंप्लीट डिवाइड है, 4 से तो दोनों कंप्लीट डिवाइड है। बट आपने ध्यान रखना है क्या कि यदि किसी वर्ष के लास्ट में 00 लग जाए, यदि किसी वर्ष के लास्ट में 00 लग जाए, तो वह ईयर्स न होकर सेंचुरी बन जाता है, वह वर्ष न होकर क्या बन जाता है, सेंचुरी, शताब्दी बन जाता है। और ऐसे नंबर की जो हम पहचान करते हैं वह 4 से डिवाइड ना करके किससे डिवाइड करके करते हैं, 400, ठीक है ना। तो जैसे आपने एक चीज देखी, जैसे आपने देखा भी 3000, आप मुझे बताओ इसका चेक करना था कि ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, तो आप क्या काम करोगे, इसे किससे डिवाइड करोगे, 400। अब जैसे आप इसे 400 से डिवाइड करोगे तो क्या बताओ, 30 से कंप्लीट डिवाइड है, नहीं हो रहा है, इसलिए यह कैसा हो जाता है आपके पास, नॉर्मल ईयर। लेकिन अगर आप इसे 400 से डिवाइड करोगे तो यह जो है 400 से डिवाइड हो जाता है, समझ रहे हो नहीं। जैसे मेरा आपसे क्वेश्चन है बताओ 1800, अब आप यहीं से देखोगे ये बताओ क्या 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 4, तो बताओ लास्ट में क्या आ गया, 00। और यदि लास्ट में किसी नंबर के लास्ट में 00 आ चुका है तो उसको किससे डिवाइड करोगे, 400 से। इसी तरह से अब इसको किससे डिवाइड करोगे आप, 400 से। क्यों डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि लास्ट में क्या है, 00। तो अगर कोई नॉर्मल नंबर से और उसको आपको पहचानना है कि वह बताओ लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, तो उसकी पहचान आप कैसे करोगे भी, 4 से जो है डिवाइड करके। यदि किसी नंबर के लास्ट में 00 लग जाए तो उसकी पहचान आप किससे करोगे, 400 से। किससे डिवाइड चेक करना, 400 से। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऐसा होता क्यों है, अभी हम जो है इसे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा एक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट होता है, उससे हम समझेंगे। देखो ऐसा, मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या मुझे बताओ एक लीप ईयर कितने वर्ष बाद आता है। देखो एवरेज जो है 4 वर्ष बाद आता है, लेकिन क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, नहीं, ठीक है ना। प्रत्येक 400 साल में जो है ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, मतलब आगे हम देखेंगे 100 वर्ष में जो है ऐसा नहीं होता है, फिर 8-8 वर्ष का गैप होने लगता है, उसे अभी हम जो है देखेंगे। वैसे नॉर्मल ऐसा माना जाता है कि भाई कितने उसमें आता है, 4-4 वर्ष में आता है, उसे हम अभी देख लेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए एक साल जो है कितने दिन का होता है, एक वर्ष, तो आप नॉर्मल ये बोलते हो ना 365 दिन, 5 घंटे, 6 घंटे है। देखो एक वर्ष जो होता है आपके पास, अगर एक वर्ष की आप बात करोगे तो होता है 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 52.56। और इसी को आप जो है ना 5 घंटे 48 मिनट को बोल देते हैं आप 6 आवर्स। और बताओ ये कितना हो गया, 365 दिन
6 आवर्स, और यही जो है 6 आवर बनते बनते जो है जब 4 से मल्टीप्लाई कर जाते हैं तो क्या है, एक दिन एक्स्ट्रा बन जाता है। लेकिन आप मुझे बताओ, आप मान के चलिए 365 दिन 6 घंटे, ये वास्तव में 6 घंटे नहीं होता, ये जो टाइम होता है ये कितना होता है, कितना होता। और यही कैलकुलेशन ये जो है जब 100 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो ये कैलकुलेशन क्या करती है, डिस्टर्ब कर देती है, ठीक है ना। तो इसी डिस्टर्बेंस की वजह से जो होता है, जो 400 का कॉन्सेप्ट है वह अप्लाई होता है। आगे हम अभी जो है ना समझेंगे, फिलहाल बस आप इतना ध्यान रखो कि लीप ईयर की आप पहचान कैसे कर रहे हो, किससे डिवाइड होती है, 4 से और 400 से। यदि किसी के लास्ट में 00 आ जाता है तो आप किससे डिवाइड करोगे, 400 से, और लास्ट में 00 नहीं है तो आप किससे डिवाइड करोगे, 4 से। ये दोनों बात आप जो है समझ गए, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो केवल बस ये अभी तक हमने इतना समझा है कि लीप ईयर क्या है और नॉर्मल ईयर क्या है, कैसे इसको जो है हम आइडेंटिफाई करेंगे, इतना आप जो है समझ गए। अच्छा, आप मुझे दूसरी बात हम और समझने की कोशिश करते हैं इसमें। अब देखो, चैप्टर की शुरुआत कहीं से तो ना कहीं से करनी ही है। अब शुरुआत कैलेंडर जो है बेसिकली मतलब बेसिक से इसकी शुरुआत करनी होती है। ऐसा नहीं कराया जा सकता कि बिल्कुल आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊं, क्योंकि यूपीएससी में कभी भी शॉर्ट ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, वन डे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, आपको कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा इसका। अब कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत कहीं से ना कहीं से करनी ही है, तो एक बेसिक से शुरुआत करते हैं, कहाँ से। अच्छा, एक बात बताओ, यदि आज मंडे है तो आप मुझे बताओ आज से 7 दिन बाद क्या होगा। अच्छा, दो एक चीज आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आता है, 7 दिन बाद या 7वां दिन, ये वाली चीज मैं कल की क्लास में क्लियर करूंगा। अभी देखो, कुछ समय के लिए आपको कल तक के लिए इतना रखना है कि दोनों बातों को एक मान के चलना है, वरना होगा कि आपका पूरा ध्यान जो है ना इसी बात में लगा रहेगा कि 7वां दिन 7 दिन बाद, समझ रहे हो ना। तो इन दोनों को भी एक मान के चलो और आप समझने की कोशिश करो कि क्या समझा रहे हैं, वरना होता क्या ना, हम इन छोटी छोटी चीजों में उलझे रह जाते हैं और जो मेन कॉन्सेप्ट होता है उससे हम जो है बच जाते हैं। तो अभी इस पर जो है फोकस नहीं करना कि 7वां दिन 7th day या आफ्टर 7 days, ठीक है ना, इस पर हमने जो है फोकस नहीं करना। मैंने मेरा क्वेश्चन है आपसे क्या कि सपोज करो टूडे इज मंडे, भाई आज क्या है, आज मंडे है, तो बताओ 7 दिन बाद क्या होगा, आफ्टर 7 days, बताओ क्या होगा। तो आप कहोगे मंडे ही होगा, भाई मंडे ही होगा ना। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि आज बताओ ट्यूसडे है, तो बताओ आफ्टर 14 days क्या होगा, तो आप कहोगे ट्यूसडे ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्रत्येक दिन जो होता है वो 7 के साइकिल में घूमता है, और 7 दिन बाद क्या होता है, दिनों का रिपीटेशन होने लगता है, होता है नहीं रिपीटेशन, आप देखते हो प्रत्येक दिन क्या होता है, 7 दिन बाद रिपीट हो जाता है। जैसे इसी तरह से अब बताओ 7 दिन बाद रिपीट हो रहा है तो जाइज ऑटोमेटिक इससे 14 डेज बाद भी रिपीट होगा। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आज क्या है, आज जो है फ्राइडे है, और मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि आज से 20 डेज बाद क्या होगा, आफ्टर 21 डेज, तो बताओ क्या होगा, फ्राइडे ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि 7 दिन बाद क्या होता है, दिनों का रिपीटेशन होता है। अब इस बात को आप इसे ऐसे समझो और थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। अब इस बात को तो आप समझ ही रहते हैं, मैंने एक बात और बोल दी कि बताओ आज क्या है, मंडे है, और मैंने बोल दिया 8 डेज बाद, आफ्टर 8 डेज, बताओ 8 दिन बाद क्या होगा। तो आप एक बात कहोगे, आप कैसे ऐसा लिख सकते हो, आप इसे ऐसा लिखोगे कि सर हमें एक बात बताइए अभी आपने क्या, कि 7 दिन बाद तो क्या होगा, वही दिन रिपीट हो जाएगा, तो बताओ आफ्टर 8 डेज का पूछा है, तो हम 8 को ऐसे लिख सकते हैं 7+1। अब बताओ मंडे था तो 7 दिन बाद तो मंडे ही हो गया, अब कितना दिन बचा, एक दिन एक्स्ट्रा बचा, तो एक दिन का क्या हो जाएगा, मंडे का ट्यूजडे। मेरा क्वेश्चन इस तरह से है कि जैसे सपोज करो आज ट्यूजडे है, आज क्या है ट्यूजडे, और मैंने पूछा आफ्टर 16 डेज, 16 दिन बाद क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर हमें अभी आपने बताया कि 14 दिन बाद तो वही रहेगा, और 14+ कितना बन गया है, 2 बन गया, भाई 14+2 हो गया, तो 14 डेज बाद तो रिपीट हो रहा था, इसका मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए, तो बताओ ट्यूसडे के बाद क्या हो गया, वेनेसडे, थर्सडे, तो आप यहीं से देखोगे थर्सडे हो गया। इसी तरह से आपने देखा भी क्या है ये फ्राइडे, तो बताओ मैंने आपसे पूछा क्या अभी आज से कितना, 24 दिन बाद, आफ्टर 25 डेज लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब बताओ 25 को आप क्या लिख सकते हो, 21+4, इसका मतलब 21 तक तो वही दिन रिपीट होने थे, कितने दिन एक्स्ट्रा हैं, 4 दिन, और 4 दिन इसका मतलब फ्राइडे में आप 4 दिन ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, तो यहाँ जो है ट्यूसडे जाएगा। अब कहने का मतलब यह है कि आप एक चीज नोटिस कर रहे थे क्या, कि ये कुछ एक्स्ट्रा डेज बच रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ बच रहे हैं,
और यही निर्धारित कर रहा है कि क्या दिन जो है होगा, भाई इसी से तो आप डिसाइड कर रहे हो। अब बात ये आती है कि चलो सर ये तो छोटे नंबर है, हम निकाल पा रहे हैं, हम क्या है निकाल पा रहे हैं, अगर नंबर बड़ा हो तो फिर हम कैसे जो है निकाल लेंगे इसको। और बेसिकली इसी को आप जो इसे आप बोल रहे हो, अगर आप इसे ध्यान से देखो तो इसे आप एक्स्ट्रा डे बोल रहे हो, एक्स्ट्रा, इसी को आप बोल देते हो ऑड डेज। ये बेसिकली कुछ नहीं है, इसे अगर आप मैथ्स के समझो फॉर्म में समझो तो यह है रिमाइंडर। ये क्या है? रिमाइंडर। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अब इस बात को आप ऐसे समझो, अगर मुझे इस बात का नहीं पता है कि भी कितने दिन बाद कौन सा दिन होगा, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आज क्या है आपके पास मंडे है, और मैंने क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, यही क्वेश्चन रख दिया कि 16 दिन बाद क्या होगा, आफ्टर 16 डेज बाद क्या होगा, तो आप यहीं से देखोगे भी 16 दिन के बाद की बात है, तो आप क्या काम करोगे, तो 16 तो यहाँ लिखोगे ही लिखोगे, और इसके बाद की बात पूछी गई है, तो आप क्या काम करो, आप इसे 7 से डिवाइड कर दो, 7 दो ना 14, बताओ रिमाइंडर कितना बचा, 2। और ये रिमाइंडर होता है रिमाइंडर थ्योरम में, इससे पहले हमने जो है पढ़ चुका है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि इसे आप लिख सकते हो 16 दिन को आप 2 दिन लिख दो, एक ही बात होगी। तो बताओ मंडे में 2 दिन आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ट्यूजडे, सॉरी, यहां तक आप समझे नहीं समझे? तो कहने का मतलब ये है कि इस बात को आप जो है समझ रहे हो, बहुत धीरे धीरे आप समझने की कोशिश कर रहे हो। मतलब कहने का ये है कि कोई दिन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कि इतने दिन बाद क्या होगा, तो आपने कोई परेशान नहीं होना, आपने करना क्या, उस नंबर को 7 से डिवाइड कर देना। क्यों डिवाइड कर रहे हैं ये बात आप समझ चुके हो, क्योंकि 7 दिन बाद रिपीटेशन होता है, और चूंकि रिमाइंडर से क्या हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा दिन निकल जाएंगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। अब देखो मेरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जैसे सपोज करो आज क्या है, आज संडे, और अगर आज संडे है तो इससे कितने दिन बाद, तो आप मुझे बताओ कितने दिन बाद, तो आफ्टर 30 डेज, बताओ 30 दिन बाद क्या होगा। तो हम करेंगे क्या, हम क्या काम करेंगे, ये 30 है तो 30 को आप एक काम करो 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 चौक 28, बताओ कितना बचा, 2 दिन एक्स्ट्रा बचे, भाई 2 दिन एक्स्ट्रा बचे ना, इसका मतलब इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर दो, तो संडे के बाद क्या आएगा, मंडे ट्यूसडे, तो यहाँ हो जाएगा ट्यूसडे। आप इस बात को आप ऐसा समझ सकते हो कि आज क्या है, आज है मंडे, आफ्टर 36 डेज, बताओ कितने दिन बाद, 36 दिन बाद, तो बताओ क्या काम करोगे आप, इसको 7 से डिवाइड करोगे, किससे, 7 से, तो बताओ 36 को आप 7 से डिवाइड करो, तो 7 पंजे 35, बताओ रिमाइंडर क्या बचा, 1, याद रखना ये रिमाइंडर होता है, ठीक है ना। इसका मतलब या तो आपसे 36 दिन बाद पूछा गया है, एक दिन बाद, एक ही बात है दोनों का मतलब, तो एक दिन बाद बताओ क्या जाएगा, मंडे के बाद, ट्यूजडे, समझ रहे हो ना। जैसे सपोज करो आज क्या है, फ्राइडे, फ्राइडे है ना, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं आफ्टर 48 दिन बाद क्या होगा। कहने का मतलब यह है कि कितने की बात में रिमाइंडर बचा, इसका मतलब 6 दिन बाद पूछा गया, 6 दिन आगे, ये बस आप लिख लो, एक एक तो एग्जांपल लिख करो, थोड़ा सा ऐसे बाद में आप डिवाइस करोगे तो थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। ऑनलाइन वाले बच्चे भी लिखते रहो भी आप साथों साथ। सर वीडियो क्लियर नहीं है।
बात आप यहाँ तक समझ गए, समझ गए। अब बात थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत थी नहीं ना। तो कहने का मतलब यह है कि यदि कुछ दिन बाद पूछा जाए तो आपको करना क्या है, 7 से डिवाइड करके आपने क्या कर देना, रिमाइंडर निकाल देना। क्या निकालना? रिमाइंडर। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि जैसे सपोज करो आज मंडे है और मैं पूछ रहा हूँ आपसे एक वर्ष बाद क्या होगा, आफ्टर वन ईयर, एक वर्ष बाद क्या होगा। क्वेश्चन मेरा सिंपल है, एक वर्ष बाद क्या होगा। तो आप कहोगे सर एक वर्ष को आप पहले किस में कन्वर्ट कर लो, ईयर्स में कन्वर्ट कर लो। तो फिर मैं वही पूछूंगा कि बताओ एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो आप कहोगे सर एक वर्ष बराबर होता है कितना, 365 दिन, भाई 365 डेज होते हैं, यही होता है ना। तो आप क्या काम करोगे, 365 को आप एक काम करो किससे डिवाइड कर दो, 7 से। तो आप एक चीज देख रहे हो कि कितना आया, एक रिमाइंडर आया, कितना रिमाइंडर आया, एक रिमाइंडर आया, रिमाइंडर तो यही है ना, एक वन रिमाइंडर है। इसका मतलब मंडे के बाद क्या जाएगा, ट्यूजडे। कोई कंफ्यूजन है? चलो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि आज फ्राइडे है, फ्राइडे है अभी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आफ्टर 2 ईयर्स। तो आप एक बात कहोगे सर क्या कि एक वर्ष का रिमाइंडर होता है एक, तो 2 वर्ष का रिमाइंडर क्या होगा, 2 होगा। तो भाई आफ्टर 2 ईयर्स तो इसमें क्या करोगे, +2 कर दोगे, ठीक है ना। तो फ्राइडे के बाद क्या जाएगा, सैटरडे संडे, तो यहाँ जाएगा संडे। कोई कन्फ्यूजन है? नहीं है। जैसे मेरे अगला क्वेश्चन है कि आज क्या है, अभी आज है वेनेसडे, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स। तो बताओ एक वर्ष का रिमाइंडर कितना होता, एक, तो बताओ 3 वर्ष का रिमाइंडर, 3, वेरी गुड। तो बताओ वेनेसडे के बाद क्या जाएगा, बोलते रहे करो आप। अब बताओ यहां तक तो कोई दिक्कत थी नहीं ना। अब मेरा क्वेश्चन है कि आज क्या है, आज संडे, और क्वेश्चन मेरा बहुत ही सिंपल है कि बताओ आफ्टर 4 ईयर्स क्या होगा। आप मुझे बताओ क्या होगा, क्या होगा, फ्राइडे होगा, फ्राइडे। चलो हमने वेनेसडे आया, कुछ का थर्सडे। अच्छा एक बात बताओ, एक वर्ष का रिमाइंडर कितना होता, एक, तो बताओ 4 वर्ष का रिमाइंडर क्या हो गया, 4। अब बताओ संडे में आप 4 दिन ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। लेकिन आप एक बात बताओ, आपको एक चीज की जानकारी है क्या कि प्रत्येक 4 वर्ष बाद क्या आता है, एक लीप ईयर आता है, और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं, होते हैं नहीं होते हैं। इस बात का मतलब आप यहां तक समझ गए कि अब इसे थोड़ा सा अगले पेज से समझने की कोशिश करो। देखो यदि एक होता है आपके पास नॉर्मल ईयर, एनवाई का मतलब नॉर्मल ईयर, तो इसमें जो डेज होते हैं वो होते हैं 365, होते नहीं होते। इसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो बताओ रिमाइंडर जो आएगा वो 1 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 1। कोई कंफ्यूजन है? अगर आपके पास होता है एलवाई, एलवाई का मतलब लीप ईयर, इसमें डेट जो होते हैं वो 366 होते हैं, 7 से आप इसे डिवाइड करोगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। इस बात को आप जो है बहुत अच्छे से समझ गए। पहले इस वाली बात हम बताओ, इसमें किसी बच्चे को दिक्कत है नहीं, है ना, ये तक आप समझ गए। इस बात को आप जैसे ही आप समझे, तो देखो यहाँ तक जो बात थी वो बहुत ही सिंपल बात थी, क्योंकि जो ईयर्स थे वो कैसे थे, 3 थे, और 3 वर्ष में कोई नॉर्मल ईयर बेसिकली आता नहीं है। अब यहाँ जैसे बात है कितने की, 4 वर्ष की। तो आप मुझे बताओ अगर 4 ईयर्स है, ये क्या है भैया, 4 ईयर्स है, तो इन 4 ईयर्स में जाहिर सी बात है 3 तो क्या होंगे, एन वाई नॉर्मल ईयर, और 1 क्या होगा, एल वाई, ये होगा नहीं, समझ गए। तो बताओ नॉर्मल ईयर में, नॉर्मल ईयर एक वर्ष का रिमाइंडर कितना होता, एक, एक होता, तो इसलिए 3 वर्ष का कितना होगा, 3। अब बताओ लीप ईयर का कितना होता है, 2, 3 और 2 कितने हो गए, 5। इसका मतलब यहाँ जो है 4 ना होकर कितना होना चाहिए था, 5 होना चाहिए। समझे आप मेरी बात या नहीं समझे, ठीक है ना।
तो अब प्रॉब्लम यही करेगा कि 4 वर्ष से आगे हमेशा लीप ईयर तो आएंगे ही आएंगे, लीप ईयर तो आने ही आने हैं। अच्छा बताओ संडे में आप 5 दिन ऐड करोगे तो क्या आएगा? है तक आप समझे? अच्छा पहले इसे आप उतारो, अब मैं इसे समझाता हूँ कि कैसे आपने करना है, इस अप्रोच को बताता हूँ, 2 मिनट पहले आप इसे उतारो। ऑनलाइन में कोई डाउट हो तो भी पूछ लेना अपने हाथों हाथ, ठीक है ना? अभी मैंने आपको बताया ना 20 मिनट और इसका बेसिक डिस्कस करते हैं, फिर सीधा हम इसके अप्रोच पर चलेंगे। क्या अप्रोच? अभी तो मैं केवल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि है तक समझ गए, इसे मिटा दे। अच्छा एक बात बताओ, हम सर, बेसिक जी बोलो इसे अभी रेज मत करिए, सर जी। अभी इरेज मत करिए। ओके 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 क्या हुआ? चलो आगे हम बात करते हैं। देखो इस बात को आप ऐसे समझ सकते थे, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? एक बात बताओ, हमें रिमाइंडर निकालना है कितने का? 4 इयर्स का। तो 4 इयर्स का रिमाइंडर हमने इस तरह से निकाला, किस तरह से निकाला इसे समझो, कि इसमें 3 तो होंगे नॉर्मल ईयर और एक होगा लीप ईयर। होगा नहीं होने का? आपको बता 1 वर्ष का रिमाइंडर कितना होता? एक। तो बताओ 3 वर्ष का रिमाइंडर क्या होगा? 3। और वेरी गुड, बताओ लीप ईयर का 1 वर्ष का रिमाइंडर कितना होगा? 2 होगा। भैया तो हमें बता ही चुके हैं ना, तो ये हो गया 5। मतलब कहने का मैंने अभी बताया था कि चूंकि एक यदि क्या है नॉर्मल ईयर है तो उसमें दिन होते हैं 365 दिन, और इसे 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा एक। एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। इसे 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर होगा 2। ये दो बात अभी आपको ये याद ही रखनी है आपने, इसमें तो कुछ करा है, किया ही नहीं जा सकता। अब इसे और समझो आप। अच्छा चूंकि ऐसे निकालने में बड़ी दिक्कत आएगी, तो हम इसकी अप्रोच को बदल रहे हैं, बस इसी बात को दूसरे तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप मुझे बताओ, जो ये 4 इयर्स है इसे ऐसा किया जा सकता था? कैसे? हम मान लें कि चारों के चारों दिन ही कैसे हैं नॉर्मल ईयर है, किसी को दिक्कत थोड़ी है भाई। 4 इयर्स है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि चारों के चारों दिन ही कैसे हैं नॉर्मल ईयर है। तो बताओ 1 वर्ष का रिमाइंडर एक होता है, तो बताओ 4 वर्ष का रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 4। लेकिन आपको ये बात पता है कि चारों के चारों क्या है नॉर्मल ईयर नहीं है, इसमें कुछ लीप ईयर है, तो जितने लीप ईयर होंगे इतने दिन तो एक्स्ट्रा होंगे, होंगे नहीं होने के? तो कहने का मतलब यह है कि 4 तो ये है और एक इसमें क्या है लीप ईयर है, एक इसमें क्या है लीप ईयर, तो टोटल कितने हो गए? 5। 5 साल। मतलब अब जैसे मैं आपसे एक बात पूछूं, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि बताओ 10 इयर्स का निकालना आपने, तो 10 इयर्स में जैसे आपने निकाला, आपको बता 1 वर्ष का रिमाइंडर कितना होता? एक। तो बताओ 10 वर्ष का रिमाइंडर कितना हो गया? 10। लेकिन बताओ 10 वर्ष में कितने रिमाइंडर होंगे? 2 रिमाइंडर होंगे, सॉरी 2 लीप ईयर होंगे, तो इसमें 2 क्या हो गए? LY हो गए। तो बताओ 10 और 2 12, अब चूंकि 12 7 से बड़ा है तो आप इसे 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना है? 5। इसे ऐसे समझो आप, दोबारा से आप इस बात को समझो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 30 वर्ष का, कितने का? 30 वर्ष का। बताओ 1 वर्ष का रिमाइंडर कितना होता? एक। तो बताओ 30 वर्ष का रिमाइंडर कितना होगा? 30। कोई कंफ्यूजन नहीं है, 1 वर्ष का रिमाइंडर एक और 30 वर्ष का 30। यहां तक तो आप समझ चुके हो, चलो ये वाली बात आप समझ गए। लेकिन आपको बताया 30 वर्ष का रिमाइंडर 300 तो हो गया, लेकिन इसमें कुछ लीप ईयर भी रहे होंगे, बताओ 30 वर्ष में कितने लीप ईयर रहे होंगे? तो आप इसमें कहोगे 7 लीप ईयर रहे होंगे, तो ये कितना हो गया? 37। अब 37 को आप 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना आएगा? तो अब क्वेश्चन कुछ बच्चों के दिमाग में ये उठ रहा होगा कि सर हमें ये बात पर कैसे पता चले कि कितने वर्ष में कितने लीप ईयर हैं? वेल देखो, अब आप इस पहले यहां तक तो आप समझ गए ना, इस बात को हल्का सा रिवर्स चलते हैं, चले रिवर्स। तो कहने का मतलब यह है कि हाउ टू फाइंड लीप ईयर्स, मतलब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कितने लीप ईयर्स हैं, इस बात का भी तो पता चलना चाहिए कि लीप ईयर कितने हैं। तो देखो जब कभी आपको लीप ईयर निकालने हो, जब कभी आपको लीप ईयर निकालने हो,
तो आप क्या काम करो, उस नंबर को 4 से डिवाइड कर दो, उस नंबर को क्या काम करो 4 से डिवाइड करो, और जितनी बार डिवाइड होगा इतने ही क्या होंगे, लीप ईयर होंगे। नहीं समझे आप इस वाली बात को, ऐसे समझो आप, देखो क्वेश्चन है मेरा, मैंने क्वेश्चन है 50 वर्ष में कितने लीप ईयर हैं, 50 वर्ष में कितने लीप ईयर हैं, तो ओहो इसे 25 ही कर दो, ठीक है ना। देखो बताओ 25 में, अब आपको निकालने क्या है लीप ईयर, तो यदि आपने लीप ईयर निकालने तो आप इसे क्या काम करो भाई, 4 से डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड करो 4 से, तो बताओ कितनी बार आया। याद रखना जब हम रिमाइंडर निकाल लेते तो इसे को ले लेते और डेज के लिए, इस बार इसको ना लेकर इसको लेना, किसको लेना इसको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 आंसर। नहीं समझे इसको, क्वेश्चन नंबर दूसरा समझो आप, नहीं समझे ना मेरा क्वेश्चन है आपसे, बताओ 35 वर्ष में कितने लीप ईयर हैं, तो बताओ कितने वर्ष हैं 35, बताओ 35 को किससे डिवाइड करोगे 4 से, किससे करोगे 4 से, तो कितने लीप ईयर आएंगे, सर 8। तो कितनी बनाएंगे 8। तो अब मुझे बताओ आप लीप ईयर निकाल सकते हो, ठीक है ना। देखो आप पहले हाँ करो, आप इस बात को समझो, अगर अभी आप लीप ईयर निकालना नहीं सीख रहे, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, बट जितना मैं समझा रहा हूँ इतना समझो आप, क्योंकि चीजें होंगी अगली वाली क्लास तक क्लियर, क्योंकि ये 400 वर्ष के बाद ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो बहुत ही ध्यान से समझना। देखो पहली बात तो ये है कि स्टेट का पीसीएस हो या सेंटर को या आप किसी भी एग्जाम में बैठो, एक दो क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, और प्रॉब्लम यह है कि चैप्टर कनेक्टेड है बहुत ज्यादा, मतलब पिछला वाला बेस क्लियर होगा तभी आप एडवांस चीजें समझ पाओगे। अभी मैं इसकी एक बेस क्लियर कर रहा हूँ कि लीप ईयर आप निकालते कैसे हो, कितने लीप ईयर ये कैसे निकाल रहे हो आप। अभी मैं देखोगे आप, मैं जितने भी एग्जाम्पल करूंगा सभी 100 वर्ष से नीचे का करूंगा, 100 से ऊपर नहीं जाऊंगा मैं बिल्कुल भी, क्यों नहीं जाऊंगा, मैं बाद में समझाऊंगा ये सारी चीजें, समझ रहे हो ना, मैं सभी चीजें क्या है बाद में समझूंगा, तो जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ उसी हिसाब से समझते रहो, वरना अगर एक साथ समझने की कोशिश करोगे दिक्कत हो जाएगी। जितना मैंने पढ़ाया इसको रिवर्स दोबारा से आएंगे एक बार, तो टेंशन मत लो। तो जितना जितना मैं बता रहा हूँ बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ इसलिए, और 2 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा, एक आज होना और एक कल होना, और इसके बाद आप यकीन मानो कैलेंडर पर आप किताब भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कैलेंडर में। चलो यहाँ तक तो आप समझ गए ना, दोबारा से इस बात को समझो, मेरा क्वेश्चन ये है कि बताओ 20 वर्ष में बताओ कितने लीप ईयर होंगे 20 में, तो बताओ 20 को किससे डिवाइड करोगे 4 से, 4 5 20 कितने होंगे, तो किसी का भी आप निकाल सकते हो, बताओ कोई और वर्ष बोलो, कोई बोलो कुछ बताओ, 75 में कितने होंगे, फिर 75 में कितने होंगे, कितने, एक बात है आप पेन ठाते नहीं हो बिल्कुल भी, ठीक है ना, चले चला लो इसे पेन को ऐसे, कितना है ठीक है ना। चलो आप ये वाली बात समझ गए, इसे कॉपी कर लो अगर कर रहे हो तो, फिर आगे हम बस समझते। देखो रिमाइंडर तो हम निकालेंगे ही, अभी रिमाइंडर तभी निकाल पाएंगे जब लीप ईयर का पता होगा, अभी पीछे आ रहे हैं, अभी हो जाएगा कॉन्सेप्ट के लिए, इतना उतारे करो जितने में आप जो है कंफर्टेबल हो, कितना आप जो है समझ पाओ, ऐसे नहीं कि सब कुछ उतारना है, सब कुछ उतारने की कोई जरूरत नहीं है, बस नोट्स आपने अपने हिसाब से बनाने हैं, ठीक है ना। अब जीएस की नहीं है ना कि जो नोट्स आपको बनवाए जाएं, ये तो जितना आप कंफर्टेबल हो इतना निकालो। चलो इस वाली बात को आप समझ गए, अब ये देखो आप एक बात समझे बस, क्या कि लीप ईयर हम कैसे पता चलेंगे कि कितने लीप ईयर है, ये तो आप समझ गए ना, इसलिए मैंने बिल्कुल देखो एक एक बात को अलग अलग क्लियर कर रहा हूं मैं,
ये वाली बात क्लियर होगी। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, देखो अब बहुत ही ध्यान से समझना। मैंने पूछा आपसे क्या है, आज है मंडे, क्या है भाई मंडे, और मैंने आपसे एक बात पूछ दी, क्या बताओ आफ्टर 8 years क्या होगा, आफ्टर 8 years। तो क्वेश्चन मेरा यही है कि सर सबसे पहला यही पता हो कि 8 वर्ष का रिमाइंडर क्या होगा, 8 वर्ष का रिमाइंडर क्या होगा। तो सुनो देखो कैसे निकालेंगे, आपको बता 1 वर्ष का रिमाइंडर कितना होता, 1 वर्ष का रिमाइंडर 1 होता, तो बताओ 8 वर्ष का रिमाइंडर क्या होगा, 8। लेकिन आपको बताया इसमें कुछ लीप ईयर भी होंगे, और जितने लीप ईयर होंगे उतने ही एक्स्ट्रा बनेंगे, तो बताओ 8 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे, 2। तो चूंकि 2 होंगे इसमें लीप ईयर, तो बताओ 8 और 2 कितने हो गए, 10। 10 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 3। और आप 3, इसका मतलब मंडे में आप 3 दिन ऐड कर दे, समझे नहीं समझे। अब इसी तरह से आप कोई दिन बोलो, देखो लो भाई ट्यूसडे, देखो जैसे मैंने अब आपसे क्वेश्चन पूछा, आज है क्या ट्यूसडे, आज है ट्यूसडे, और कितने साल बाद, तो हमने लिख दिया कितने, 25 वर्ष बाद, आफ्टर 25 years। तो बताओ आपको बता 1 वर्ष का रिमाइंडर 1, तो बताओ 25 वर्ष का रिमाइंडर क्या होगा, 25। लेकिन इसमें कुछ लीप ईयर भी तो रहे होंगे, बताओ 25 में कितने लीप ईयर रहे होंगे, 6। अभी निकालना सिखाया था, 4 से डिवाइड करो, तो इसमें 6 हो गए लीप ईयर, तो 25 और 6 कितने हो, अभी 31 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 चौक 28 कितना बचा, 3। तो 3, अब बताओ ट्यूसडे में आप 3 दिन ऐड करोगे, फ्राइडे। अब बात समझ गए। अब मेरा एक क्वेश्चन और है, अब इसको आप खुद से करके दिखा दो मुझे, और फिर अब जो है सपोज करो आज है संडे, ठीक है ना, अब आपसे पूछा है कितना आफ्टर, कितना पूछा है अभी, कितना निकालने, लो चलो आफ्टर 75 years, 75 वर्ष बाद क्या होगा, बताओ भी ऑनलाइन में ही बताओ, ट्यूजडे मंडे, अब चलो यहां देखते हैं। अच्छा एक बात दो आप मुझे, 1 वर्ष का रिमाइंडर 1 होता तो 75 का कितना हो जाएगा, 75। लेकिन 75 में कुछ लीप ईयर भी रहेंगे, लीप ईयर कैसे निकालोगे, तो 75 को ऐसे जो है 4 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया, 18 चौक 72, तो कितना आ गया यहाँ, 18 क्या हो गया लीप ईयर, और इन सबको आप ऐड करोगे कितना आएगा, ये 93। अब 93 को आप 7 से डिवाइड कर दो, कितना रिमाइंडर आया, 2। तो ऐसा आप देख रहे हो 2, तो ये क्या हो गया, ये रिमाइंडर हो गया आपके पास। बताओ संडे में 2 दिन बाद क्या हो जाएगा, ट्यूजडे होगा। अच्छा और अब बात को समझो, एक क्वेश्चन और करा देते हैं इसमें। अच्छा क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। देखो अब सब चीजें ये जो है अब जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों की, इनका मिक्स करके क्वेश्चन बनेगा आपको, इसलिए मैंने आप देखो आधा घंटा इसी बात पर लगाया मैंने कि एक एक चीजें आपको क्लियर कराई है, क्योंकि जब मैं बात आगे जो है डिस्कस करूँ आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। कोई क्लियर तो नहीं है, मतलब यहां तक अगर कोई डाउट हो तो पूछो अपनी बात जी। अरे कहने की छोड़ो, कह तो कुछ भी दिया जाता है। देखो कितनी ये देखो अरे तो दिक्कत एक है ना, मैं आपको रियल में बताऊं ना, एग्जाम देख रहे हो ना, अभी मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मैं 9 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ भाई, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स साइंस एंड टेक हिंदी और मैथ्स, तो मतलब फिर जो है ना मामला ऐसे होता रहता। देखो अब जैसे आप सपोज करो यहीं पे, जैसे सपोज करो आज सैटरडे है, एक लास्ट कर लो इसमें, फिर अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं इसमें। आज सैटरडे कितने वर्ष बाद,
अच्छा ये यूपीपीसीएस में, उसमें यूकेपीसीएस मेंस में भी आएगा ये क्वेश्चन, इसको जिनका मेंस है ना वो भी ध्यान रखें। मेंस में पिछली बार भी आया था ये क्वेश्चन, आता ही आता है मेंस में क्वेश्चन, तो मेंस के हिसाब से भी। और 5 नंबर तक का जाता है कैलेंडर, पिछली बार तो 2 नंबर का आ रखा था शायद, दो दो के दो क्वेश्चन थे, तो 4 नंबर भी बहुत होते हैं। 4 नंबर आप देखो ना, 4-5 नंबर आपके 2 दिन में क्लियर हो रहे हैं, मतलब कितना, 1.5 घंटा आज और 1.5 घंटा कल, बताओगे कितने वर्ष बाद। चलो आफ्टर 40 ईयर्स, कितना, 40 वर्ष बाद। किसका? हाँ तभी तो मैंने बोला नहीं, देखो हाँ अरे तो बहुत सिंपल है, ऐसा तो करने की जरूरत ही नहीं थी, मौके की वजह। देखो बताओ, 1 वर्ष का रिमाइंडर, एक तो 40 का क्या होगा, संडे, 40 जी, 40 का 40, और इसमें कितने लीप ईयर होंगे, 10 लीप ईयर होंगे, तो कितने हो गए, 50। 7 से डिवाइड करोगे, 70 70 49, एक बचा, एक क्या हो गया, सैटरडे के बाद संडे। बहुत ही अच्छे से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है ना, यहाँ तक आप जोड़ के बैठे थे, अरे पता चल गया था मुझे, तभी तो मैंने वो दिया नहीं था। अब तो तजुर्बा बहुत ज्यादा होता है, एक्सपीरियंस कोई चीज होती है। किसमें? हाँ नहीं, बिफोर में बस माइनस कर देना, अभी सब पाएंगे, एक साथ नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। दूसरी बात याद रखना, देखो जो मेंस में जो क्वेश्चन आएंगे ना, इन सब की मैं लास्ट में शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जब पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा ना, तो मैं सब चीजों की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, कैसे जो है डेट निकालते, कैसे क्या करते हैं। अभी शॉर्ट ट्रिक इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेंस में आपसे पूछा जाना, और मेंस में आप वहां शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाओगे, वहां तो आपको क्लियर करना होगा ना, और ये सब चीजें एक्सप्लेन करनी होंगी, रिमाइंडर वगैरह ये सब बताना होगा एग्जामिनर को। तो अब शॉर्ट ट्रिक में कहता, शॉर्ट ट्रिक में तो 1 लाइन में आपका जो है आंसर आ जाएगा। अब नहीं, तो प्री मेंस दोनों का ही चल रहा है ना, मतलब वो तो अलग है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट फिर ऐसा है ना, शॉर्ट ट्रिक में तो अब तक कैलेंडर पूरा खत्म भी हो जाता, अब तक तो खत्म था इतने टाइम में, लेकिन आप ऐसा है ना, शॉर्ट ट्रिक का क्या होता है, वो पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे लग पाएगी, जैसे या तो आप डेट निकालना सीख सकते हो, रेफरेंस में डेट निकालना, बस इससे अलग आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और क्वेश्चन अभी मैं जब आपको लिखाऊंगा ना, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं कि कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन है, जैसे मैं आपसे पूछूं ये क्वेश्चन है कि बताओ 400 वर्षों में लीप ईयर कितनी बार आएगा, 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, समझ रहे हो ना, ये आया हुआ क्वेश्चन है, 400 ईयर्स में 29 डेट कितने टाइम्स आएगी, 100 बार, बस गलती कर दी आपने, समझ रहे हो ना। अब तक देखो, अभी मैंने पढ़ाया, अब तक क्या पढ़ 98 भी नहीं होगा आंसर, समझ रहे हो ना, क्योंकि अब तक पढ़ाए हुए से अभी क्लियर नहीं हुई है ना चीजें, अब मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे। चलो कोई नहीं, 96 होगा क्या? हाँ 96 होगा, चलो अब आगे बात समझ, कोई नहीं अभी क्लियर होंगी सब चीजें, यहाँ तक आप जो बात समझ गए। तो आपने देखा, एक तो आपने जो है इसको समझ लिया, एक बार हम जो है बात समझते हैं, देखो एक तो आपने डेज समझ लिया, आफ्टर 7 डेज, 5 डेज, 20 डेज, ये समझ लिया। इसके बाद आपने जो है ईयर्स समझ लिए, भाई ईयर्स में देख लिया आपने, लीप ईयर निकालना समझ लिया, और लीप ईयर के बाद आपने ये जो है सब चीजें आप जो है समझ ही चुके हो, ठीक है ना। अब यहां से आगे हम बात समझते हैं, देखो यहां से आगे आप समझो, ज्यादातर कैलेंडर को जो पढ़ाया जाता है वो रेफरेंस डेट में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि तुम रेफरेंस डेट से इसे ना पढ़ो, क्योंकि फिर रेफरेंस डेट तो बहुत ही बेसिक चीज हो जाती है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट ही समझो आप। एक बात और बताओ मुझे, इस और जान लो लगे हाथ ही, बताओ जनवरी कितने की होती है, 31 की होती है, 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर। फरवरी कितने की होती है, या तो 28 की या 29 की, 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर, 0 या 1। मार्च कितने का होता है, 7 से डिवाइड करोगे। अप्रैल कितने का होता है, 7 से डिवाइड करोगे, 2, ठीक है ना। बताओ मई कितने का होता है, 2। बताओ जून कितने का होता, बस याद है तुम्हें सब कुछ,
जुलाई कितने का होता? फिर बताओ अगस्त कितने का होता? सितंबर कितने का होता? अक्टूबर कितने का होता? नवंबर कितने का होता? और दिसंबर? अब ये जो है इधर, ये आपके पास क्या है? तो आप कहोगे सर ये है रिमाइंडर। ये क्या है? रिमाइंडर। मैं आपसे पूछूं, बताओ जनवरी का रिमाइंडर 3, फरवरी का 0 या 1 होगा, वो डिपेंड करता है लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, ठीक है ना। अच्छा, इसको याद कैसे करते हैं? एक बेसिक आपने पढ़ा होगा बचपन में, देखो ऐसे ऐसे स्टार्ट करते हैं। ये जनवरी ऊपर है तो 31 की, फरवरी नीचे आ गया 30 या 30 की होती है 28 या 29, मार्च ऊपर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब जुलाई के बाद अगले हाथ से यहाँ से स्टार्ट करोगे क्या हो गया अगस्त। तो आप देख रहे हो जुलाई और अगस्त क्या है 31 के, समझ रहे हो ना, इस तरह से याद कर दे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, याद हो जानी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो थोड़ी देर मेरे साथ डिस्कस करोगे तो अभी याद करा देंगे, कल तक मिटा दे इसको, लिख लो। अगर नहीं भी लिखोगे तो आप खुद से भी लिख सकते हो, इतने तो आप कैलेंडर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अच्छा सुनो, कैलेंडर की हिस्ट्री आप एक बार गूगल करके पढ़ लेना, कौन कौन सा हम कैलेंडर वगैरह यूज कर रहे हैं। ये समय मिलेगा तो मैं खुद करा दूँ, ठीक है ना। टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभार ऐसा हुआ यूपीएससी वगैरह में वो पूछ ले कुछ इसके बारे में वैसी जानकारी, तो भी आप पता। वैसा होता नहीं है, ऐसा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी सी साइड में तो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, पता चला स्टेटमेंट दे दिए दो, एक तो दे दिया डेट निकालने का, दूसरा कुछ दे दिया। अच्छा यहाँ तक तो समझ गए ना, ये बात आप समझ चुके हो, ठीक है ना। अच्छा लगभग लगभग सब कुछ हो गया। देखो इस बात को अभी 20 मिनट के लिए रट्टा मान लो, कौन सी देखो। अच्छा बताओ, आपने रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर निकालना सीख गए। जैसे 20 वर्ष का क्या होगा, 30 वर्ष का क्या होगा, इसी तरह से याद रखना 100 वर्ष का रिमाइंडर क्या होगा। कोई निकाल लेगा कोई 100 वर्ष का रिमाइंडर क्या होगा? देखो एक वर्ष का एक होता है तो 100 का 100 होगा, इसमें कितने लीप ईयर होंगे, 25 लीप ईयर होंगे। तो बताओ 125 को आप 7 से डिवाइड करो कितना जाएगा, 6। तो इसका रिमाइंडर 6 होना चाहिए था, लेकिन ये गलत है, गलत है, ठीक है ना। अब क्यों है, अब रीजन मत पूछना, अभी 20 मिनट बाद डिस्कस होगा। देखो होगा क्या, 100 वर्ष का रिमाइंडर होता है 5, 200 वर्ष का रिमाइंडर होता है 3, 300 वर्ष का रिमाइंडर होता है 1, और 400 वर्ष का रिमाइंडर होता है 0। कितना होता है अभी 0। मतलब कहने का यह है कि मैं आपसे एक बात पूछूं क्या, कि आज यदि मंडे है तो बताओ 400 वर्ष बाद क्या होगा, मंडे ही होगा, समझ रहे हो ना। आज ट्यूसडे है तो 400 वर्ष बाद क्या होगा, ट्यूसडे ही होगा, ठीक है ना, समझ गए आप। इसे समझो या अभी ही क्लियर कर देंगे, बस कुछ चीजें जानने करो आप, मतलब ऐसे ही एक्सेप्ट करे करो। चलो अब बात को मिटा दे इसको। अब आप में से कोई बच्चा अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, बताओ अपनी। चलो 6 अप्रैल, अभी अभी तुम्हारी अभी ले, अरे एक बता दो कोई भी, अब आप बता दो। समझ रहे हो ना, चलो मेरे कहानी याद आ गई, अभी सुनाऊंगा तुम बाद में। अच्छा एक बात, मेरा क्वेश्चन है 6 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन था, ये मेरा क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना। अब बात करते हैं इसे निकालते कैसे है, ये वाली बात आप समझे ऐसा क्या। देखो करना क्या होता है, सबसे पहले आप एक बात समझो, इसे समझने की कोशिश करना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनवरी तक, किससे, जनवरी से।
बताओ जनवरी का रिमाइंडर कितना होता? तो जनवरी का 3 होता, अभी लिखाया अभी। बताओ फरवरी का रिमाइंडर कितना होता? तो या तो 0 होगा या 1, अब वो डिपेंड करता है इस पर। तो बताओ ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर? ये नॉर्मल ईयर है, शुरू में बताया था नॉर्मल ईयर लीप ईयर की पहचान। तो बताओ ये किसका क्या होगा? 0। समझ रहे हो ना? अब बताओ मार्च, मार्च का 3, अप्रैल, याद रखना जिस मंथ तक जाते हैं, जो मंथ यहाँ दिया हुआ होता है उस मंथ तक जाते हैं, उस मंथ का रिमाइंडर ना लिख के उसकी डेट लिखते हैं। तो यहाँ क्या लिखोगे? 6, क्योंकि 6 अप्रैल तक की बात है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल हो गया, इन सबको जोड़ दो तो कितना हो गया? 12। और 12 को आप 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 5। बस ये वाली बात बताओ, मुझे कोई दिक्कत है इसमें? ये क्या है बेसिकली? इट इज ए रिमाइंडर। पूरा खेल रिमाइंडर का ही है चैप्टर में। इसके बाद आपने करना क्या है, 2005 इसमें से एक माइनस कर देना। क्यों करना है ये भी अभी बताऊंगा, ठीक है ना? पहले समझते रहो। अब बताओ एक इसमें से माइनस करोगे तो बताओ क्या आ गया? 2004। बताओ 2004 आया नहीं आया? देखो होता क्या, आपने 2004 के रिमाइंडर निकालने। अब आपको 2004 के रिमाइंडर निकालना तो थोड़ा हार्ड काम है। तो हमें अभी एक बात का पता चला है क्या, कि 400 वर्षों का रिमाइंडर कितना होता है? 0। 400 वर्ष का रिमाइंडर क्या होता है? 0। तो आप मुझे बताओ 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 400, बताओ कितने हो गए? बताओ कितने हो गए? 2000। 2000 हो गए ना, और प्लस क्या लिखोगे? 4, तो पूरे हो गए। अब मुझे बताओ इसका रिमाइंडर? 0, इसका भी 0, 0, 0, 0 और प्लस 4। लेकिन 4 तो ये इयर्स है, आपको बता ये 4 तो हो गए वर्ष, लेकिन इसमें क्या रहा होगा? कुछ कुछ लीप ईयर भी रहेंगे। तो बताओ इसमें कितने लीप ईयर रहे होंगे? इसमें एक रहा होगा एल वाई। क्या रहा होगा? एक एल वाई। तो बताओ ये कितना हो गया? 4 प्लस 1 5। अब बात करते हैं, इधर देखते हैं। अब आप इसका कर दो क्या, टोटल रिमाइंडर निकाल दो। इसे क्या निकाल लो अब आप? टोटल रिमाइंडर, टोटल रिमाइंडर। तो बताओ 5 यहां और 5 यहां, बताओ कितने हो गए? 10। और 10 को आप 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। और याद रखना क्या, कि यदि रिमाइंडर आता है 0 तो दिन होगा क्या? संडे। रिमाइंडर आता है 1 तो दिन क्या होगा? मंडे। रिमाइंडर आता है 2 तो दिन क्या होगा? ट्यूसडे। रिमाइंडर आता है 3, दिन क्या होगा? रिमाइंडर आता है 4, दिन क्या होगा? थर्सडे। रिमाइंडर आता है 5, दिन क्या होगा? रिमाइंडर आता है 6, दिन क्या होगा? सैटरडे। अब मुझे बताओ क्या क्या रिमाइंडर आया यहाँ? 3। तो बताओ कौन सा दिन रहा होगा उस दिन? वेनेसडे। अरे तुम्हारी बात का विरोध कर सकते हैं हम? अभी समझो मत, अभी बस समझते रहो, मैं समझा रहा। अभी जब मैं एक काम है ना, जब मैं समझा दूंगा, अभी आपको मैंने समझाया ही नहीं है। अभी ये समझो, अभी समझो आप, बस चीजों को समझते रहो, ठीक है ना? पूरा मौका दिया जाएगा। एक काम करो, आप इसे उतारो, मैं अगले क्वेश्चन से समझाऊंगा, अगले से और अच्छे से समझ में आएगा। अरे मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो। ऐसा हुआ ही आज तक, आज तक हुआ ऐसा कि मैं बिना समझाया चला गया हूँ? ठीक है ना? जी नाम क्या आपका? जी रक्षित। आपकी ये सीट रिजर्व है, आप कोने ही पकड़ के रखते हो ये वाला? कुछ है इस कोने में कैसे? अच्छा, अरे 400 इसलिए लिया है क्योंकि इससे पहले हमने बताया ना 400 वर्षों का रिमाइंडर 0 होता, तो 0 कैलकुलेशन को शॉर्ट बना देता। बस ये उद्देश्य है 400 लेने का, बाकी कोई उद्देश्य नहीं है। दूसरी बात, आप इसे ऐसा भी लिख सकते थे। देखो आपको यहाँ तक तो आप समझ गए ना, उतार तो लिया ही है। अरे आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 2004 है तो 2004 को क्या लिख सकते हो? 400 गुणा 5, तो बताओ कितने वर्ष हो गए? 2000 प्लस 4। आपको बता इसका रिमाइंडर तो 0 हो गया, 4 वर्ष का 4 प्लस 1 लीप ईयर, तो कितने हो गए? 5, 5 ये 5 ये कितने हो गए? 10। 10 को 7 से डिवाइड करोगे
तीन पे क्या आ गया वेनर्जी? नहीं समझ में आया बिल्कुल, आप टेंशन मत लो, अगले क्वेश्चन से समझो। बोलो कोई और बोलो अपडेट हो, आप बोलो भी अपनी क्या है? बोल दो। देखो इनका है 15 जून 2003 को कौन सा दिन था, तो आप बहुत ध्यान से समझना इस वाली बात को। सबसे पहले आप एक काम करो, जनवरी का लिखो, तो जनवरी का रिमाइंडर 3, फरवरी का 0 क्यों आया क्योंकि नॉर्मली है, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, अब जून है तो जून तक तो हमने जाना ही है, तीसरा लिखोगे 15, कोई दिक्कत है? समझ गए ना? अब देखो इन सबको जोड़ दो, तो या तो जोड़ दो, ये जहां 7 का मल्टीपल बन रहा है वहां काट दो, तो 15 और 3 18 और 3 21, रिमाइंडर कितना बचा 5, ये सबको जोड़ के काट दो, एक ही बात है, इन सबको जोड़ दो, 21 और 5 कितने हो गए? 21 और 5 जोड़ रहे हैं कॉपी में लेके, देखो ये हो गया 26, इसे 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 5, एक ही बात है, मतलब किसी भी तरह से आप कर सकते हो। अब आपको मैंने बताया 2003 में से आप क्या काम करोगे, -1 करोगे तो कितना आएगा 2000, तो आएगा नहीं आएगा? अब आप यहीं से एक बात समझ चुके हो क्या, कि इसे तो क्या लिख सकते हो, 400 × 5 2000 प्लस क्या लिखोगे 2 वर्ष, आप बताओ इसका रिमाइंडर तो 0, 1 वर्ष का 1 होता है तो 2 वर्ष का रिमाइंडर 2, क्या ये 4 साल से बड़ा है, यहाँ तो कोई लीप ईयर, इसमें तो कोई लीप ईयर बचेगा ही नहीं, तो कितना हो गया बेसिकली 2, तो बताओ क्या हो गया टोटल रिमाइंडर, टोटल रिमाइंडर कितने हो गए 5 + 2 क्या हो गया 7, और 7 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0, 0 पे क्या होता संडे, तो उस दिन संडे था, यही था ना है, अच्छा 4 को हुए थे, हाँ सब में -1 करेंगे, क्यों करेंगे अभी सब क्लियर कर दूंगा मैं, अगर सपोज करें 2004 होता तो यहाँ 1 ले लेते, नहीं समझे आप, एक काम करता हूँ मैं क्वेश्चन, एक काम करते हैं, एक काम करो अगला क्वेश्चन करो आप, इसे मिटा इसे रहने दें, अरे बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा, आप समझते रहो बस, पहला काम है कॉन्सेप्ट समझने का, जैसे मेरे जैसे 14 मई 2008 को कौन सा दिन था, तो सबसे पहले आप एक काम करो, जनवरी लिखो, जनवरी का भी 3, फरवरी का अब आएगा 1 क्योंकि 2008 लीप ईयर, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 14 हो जाएगा भी, अब देख लो 3 और 3 6 1 7 14 है, क्या बचा रिमाइंडर 2, ये आप सबको जोड़कर 7 से डिवाइड करोगे 2, ये तो हमेशा माइनस करना ही है, मतलब आप ये भूलना नहीं है कुछ भी हो जाए, तो क्या हो गया 2007 हो गया, अब एक काम करो इसे लिखोगे 400 × 5 कितने हो गए 2000 प्लस क्या हो गया 7 वर्ष, आपको पता है इसका रिमाइंडर 0, 1 वर्ष का रिमाइंडर 1 है तो 7 का भी 7 होगा, याद रखना इसमें कुछ लीपियर भी रहेंगे तो 7 वर्ष में कितने लीपियर होंगे 1 लीपियर रहेगा, तो कितना हो गया 7 और 1 8, अब बताओ टोटल रिमाइंडर कितने हो गए, टोटल रिमाइंडर 2 + 8 कितने हो गए 10, और 10 को 7 से डिवाइड करोगे 3 3 पे बताओ क्या होता वेनिस्ट, आप चेक कर लेना उस दिन वेनेसडे होगा, आप समझ गए ना, एक क्वेश्चन और करा रहा हूं फिर तो मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, अब क्लियर करूंगा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, हाँ करा है ये ना। अगर 2000 से पहले का हो जब तो दोबारा सुन क्यों घबरा क्यों ना, यही है हम कहीं जा थोड़ी ना, टेंशन किस बात के लिए, नहीं दे रखो, एक तो माइनस करते हैं तो बताओ कितना हो गया 2007, किसी को कोई दिक्कत है बताओ, इसे ऐसे लिखोगे 400 × 5 बताओ कितने वर्ष हो गए 2000, 400 में का ही क्यों मल्टीपल ले रहे हैं क्योंकि 400 का रिमाइंडर क्या होता है 0 होता, क्या होता है 0 होता, बताओ कोई दिक्कत है नहीं है ना, अब बताओ कितने वर्ष बचे 7 ईयर और हो गया, कोई दिक्कत है बताओ, इसका रिमाइंडर 0, बताओ 1 वर्ष का रिमाइंडर
एक, तो 7 वर्ष का रिमाइंडर, कोई कंफ्यूजन है? अब बताओ 7 वर्ष का हम क्या निकाल रहे हैं रिमाइंडर, और याद करो क्लास के शुरू में ही मैंने बताया था कि 7 वर्ष का रिमाइंडर, अगर तुम्हें रिमाइंडर निकालना वर्ष का, तो 1 वर्ष का रिमाइंडर 1, 7 वर्ष का 7, लेकिन 7 वर्ष में कुछ लीप ईयर भी तो रहे होंगे, कितने लीप ईयर रहे होंगे? 1 लीप ईयर रहे होगा, तो 1 लीप ईयर वाला हो गया, तो बताओ कितना हो गया 8। अब आप यहीं से देख लो टोटल रिमाइंडर कितना हो जाएगा, देखो 2 तो ये वाला और 8 ये वाला, कितना हो गया 2 + 8 = 10, 10 को 7 से डिवाइड करो। दोबारा से समझो, आप एक लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं अभी समझो, अरे तुम टेंशन मत लो सर, 2000 से पहले का सर लीजिए। हाँ हाँ, अरे वही मैं बता रहा हूँ, आपका आया है 23, 23 को 7 से डिवाइड करो तो 2 आएगा। अच्छा आप एक, आपने काम करा 23 को 8 से ऐड कर दिया, इसमें क्यों ऐड कर रहे हो, इसमें ऐड करो ना 8 में, फाइनल इवेंट आया तब भी वही सेम आएगा। हाँ हाँ सेम आएगा, वो तो क्या है। अब एक काम करो, कोई 2000 से पहले की कोई डेट ऑफ बर्थ बोलो, बोलो कुछ बोलो, डेट तो बोलो, कुछ तारीख बोलो। 14 सितंबर 1994। अब अभी से समझना, अब देखो ये पूरा सब कुछ क्लियर करेगा ये, ठीक है ना। अब कॉपी किताब बंद करो, इसे समझो। जनवरी का 3, फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 14। अरे पूरी डेट लिखनी भी है। अब यहाँ से एक काम करो, 7 से आप इसे जहां जहां 7 बन रहे काट दो, तो आप यहीं से देखोगे 3 और 2 = 5 और 2 = 7, ये तो कैंसिल हो गया, ये 14 भी पूरा कैंसिल हो गया, 3 + 3 = 6, 3 + 3 = 9, 3 + 4 = 12। अब बताओ 12 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 5। तो एक रिमाइंडर तो आपने यहाँ का निकाल दिया। बस एक बात मुझे ये बता दो, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को तो आप मुझे बताओ, यहाँ तक बताओ बस। इसके बाद आपने 1 माइनस कर दिया, बस यहाँ तक बताओ पहले, यहाँ तक तो अभी कुछ नया करा नहीं हमने क्वेश्चन में भाई। इसका रिमाइंडर निकालना 5, वो फाइनल में जोड़ेंगे, 1 माइनस करते ही हैं, क्यों करते हैं अभी बता दूंगा। अब आ गया 1993, क्लियर है? मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, 2000 का आप रिमाइंडर निकाल लेते, अब निकालना 1993 का रिमाइंडर। तो बताओ इसे कैसे लिख लोगे, बताओ 400 × 5 क्या होते हैं 2000, तो इसे ऐसे लिख सकते हो 400 × 4, बताओ कितने वर्ष हो गए, 1600 और प्लस 300 और प्लस 93 वर्ष, हो गए नहीं हो गए? बताओ इसका रिमाइंडर 0, बताओ 300 वर्ष का रिमाइंडर 1, अब बताओ 93 वर्ष का रिमाइंडर तो निकालोगे 93 का, तो 1 वर्ष का रिमाइंडर 1, तो बताओ 93 का रिमाइंडर 93, लेकिन इसमें कुछ लीप ईयर भी तो रहे होंगे, तो बताओ कितने लीप ईयर रहे होंगे, 23, 23 ना, तो इसमें 23 क्या रहे होंगे लीप ईयर, ये हो गए लीप ईयर। समझे नहीं समझे, अभी ने जोड़ दो, हो गया नहीं हो गया भाई, 127 हो गया। अब बताओ 127 को आप 7 से डिवाइड करो, तो बताओ यहाँ कर देते हैं 127 को आप एक काम करो 7 से डिवाइड करो, तो 7 + 7 = 7, कितना बचेगा 5, 7 × 8 = 56, कितना बचेगा 1, तो यहाँ से बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। अच्छा 117 आएगा क्या, अच्छा सॉरी 117 आएगा, है काम करो 117 को आप क्या काम करो 7 से डिवाइड करो, तो 7 × 7 = 7, बताओ कितना बचेगा यहाँ से 4 × 7 = 42, कितना बचेगा 6, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बच गया 6। अब देख लो टोटल रिमाइंडर, तो 6 × 5 या कितने हो गए 11, 11 को 7 से डिवाइड करो कितना आएगा 4, बताओ 4 पे क्या होता 5 हुआ सर रिमाइंडर,
रिमाइंडर 5 होगा सर, रिमाइंडर 47 में से 42 घटाएंगे 5 आए। अच्छा यहाँ तो 2 आएगा ना, यहाँ तो 5 आएगा, ये क्या हो गया अभी 5 प्लस 5, ठीक है ना। आप चेक कर लेना यही इस दिन, आप चाहे तो गूगल कर लो ये डेट इस दिन यही पाई जाएगी, ठीक है ना। अब बात को अब समझो आप ध्यान से, अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ अब बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है ना। अच्छा आपने एक चीज देखी कि जरूरत जो पड़ रही है, अच्छा इस वाले कॉन्सेप्ट को मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ, अभी अब दोबारा से समझो। वो तो रटवाया नहीं, अभी मैंने रट्टा नहीं लगवाया आपको 100 का 200 का 300 का। चलो एक काम करते हैं, पहले इसी चीज को समझ लेते हैं। अच्छा समझो, ये दोनों चीजें मैं बता रहा हूँ, एक तो -1 क्यों कर रहे हैं, एक इसको क्यों कर रहे हैं। चलो पहले -1 को समझ लो, पहले -1 को समझो फिर उसको समझाता हूँ। अच्छा बताओ मेरा क्वेश्चन है आपसे, कैलेंडर बने हुए कितने वर्ष हो गए, आज कौन सा ईयर चल रहा है, 2022 चल रहा है। बताओ कैलेंडर बने हुए कितने वर्ष हो गए, कितने साल हो गए, आज की डेट है। देखो कैलेंडर बने हुए अभी 2022 पूरे नहीं हुए, 2022 वर्ष चल रहा है, ये रनिंग है। 31 दिसंबर रात को 12 बजे 2000 वर्ष पूरे हो जाएंगे, 2022 वर्ष पूरे हो जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि हम जो रिमाइंडर निकाल लेते हैं, हमें निकालना था 14 सितंबर 1994 तक का रिमाइंडर निकालना था, लेकिन 2094 वर्ष तो चल रहा था, तो वो तो 14 सितंबर तक हुआ है, तो 14 सितंबर तक का तो रिमाइंडर हम यहाँ निकाल लेते हैं, तो जो ये रनिंग था इसको माइनस कर देते हैं। अगर ये डेट देखोगे आप, इस डेट को ऐसे तो लिखोगे ये कब तक की डेट है, तो ये है 14 सितंबर और 1993 वर्ष है ये, क्योंकि ये वाला 94 वर्ष तो जो है ये क्या रनिंग है, तो रनिंग ईयर को क्या करते हैं हम माइनस कर देते हैं। दो हजार बाईसवा वर्ष चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ ना, कंप्लीट कब होगा, और वो जो चलता हुआ होता है वो इस डेट तक निर्धारित होता है ना कि कहां तक पहुंचा है, जैसे 2022 वर्ष कहां पहुंच चुका है, डेट क्या है जी, वो भी डिपेंड करता है उस पर बिल्कुल एग्जैक्ट 12 बजे पे, समझ रहे हो ना, क्योंकि वो डेट लग जाएगी, लग ही जाएगा वो, तो वो तो 1 माइनस होना ही होना है, क्योंकि एक वर्ष का पूरा वो 1 माइनस यहाँ कर दोगे ना। चलो अब मतलब एक मैंने आइडिया दे दिया, अभी और क्लियर करेंगे इसे। सुनो अब मेरा, अब आपका क्वेश्चन है कि सर 100 वर्ष का रिमाइंडर क्या होगा, 200 वर्ष का रिमाइंडर क्या होगा, और 300 का क्या होगा, जो अभी हम जो है पढ़ रहे थे। अब देखो पहले दो क्वेश्चन लिखो, एक पहले क्वेश्चन लिखो, पहले तो ये बताओ 400 वर्षों में 29 डेट कितने टाइम्स आती है, या 400 वर्षों में लीप ईयर कितनी बार आते हैं। चलो मैं एक क्वेश्चन जो है लिखो मत, मैं करा ले रहा हूँ, इधर देखो अब आप समझो, अब बहुत ध्यान से समझना, इधर देखो, अरे जो तुम्हारा डाउट था ना अब क्लियर हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, हम निकाल लें 100 वर्ष का रिमाइंडर निकालते हैं, कितने का 100 वर्ष का रिमाइंडर निकालते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है आपको बताया, बताओ 100 वर्ष का रिमाइंडर निकालने किसका, 100 का, बहुत ध्यान समझनी बात को, आप मुझे बताओ 1 वर्ष का रिमाइंडर कितना होता है, 1 होता है। आप मुझे बताओ, पहली बात तो ये बताओ 100 वर्ष का रिमाइंडर निकालना आपको, तो आप क्या काम करोगे, 100 करोगे, करोगे नहीं करने के। अब आप मुझे बताओ इसमें लीप ईयर भी लिखोगे, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं, क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यह है कि 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं, तो मैं इसे इधर करा दूं, इधर करें इस वाली बात को, तो आप मुझे बताओ 100 वर्ष ये अलग ही करा दे रहा हूँ, बहुत ही क्लियर ही कर देते हैं। लो सुनो, 2-3 चीज समझाओ, 100 वर्ष में लीप ईयर, ये क्वेश्चन है मेरा, हाउ मैनी एल वाई इन 400 ईयर्स। अब बहुत ध्यान से समझना इस वाली बात को, तो बताओ लीप ईयर निकालने की मैंने ट्रिक क्या बताई थी तुम्हें, तो हम क्या काम करते हैं, हम एक काम करते हैं 100 को डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से, तो बताओ कितने लीप ईयर आए, 25 लीप ईयर, कितने लीप ईयर आए, 25, लेकिन 25 नहीं होंगे,
लेकिन 25 नहीं होंगे, क्यों नहीं होने के, क्योंकि सो वह वर्ष सेंचुरी है, सोवा वर्ष क्या है भाई, सेंचुरी है, और सेंचुरी की मैंने क्लास के स्टार्टिंग बताई थी, सेंचुरी की पहचान किससे करते हैं, 400 से डिवाइड करके, भाई सोवा वर्ष क्या है सेंचुरी, कैसे पता चला लास्ट में क्या है 00, और ये लीप ईयर है या नहीं है इसे किससे डिसाइड करोगे आप, 400 से, तो बताओ क्या ये 400 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, ये 400 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए 100 वर्ष में एल वाई कितने हो जाएंगे, तो 25 माइनस 1 कितने हो गए 24, और समझ गए, क्लास के स्टार्टिंग में मैंने वो बात क्यों बता रहा था तुम्हें मैं, तो अगर कोई आपसे पूछे बताओ 100 वर्षों में 29 डेट कितने टाइम्स आएगी, 29 फरवरी कितने टाइम्स आएगी, तो 24 टाइम्स आएगी, कितने टाइम्स आएगी 24 टाइम्स आएगी, माइनस वन इसलिए करा क्योंकि जो 100वां वर्ष है ना वह सेंचुरी है, और कैसे पता चला क्योंकि 100वें वर्ष के लास्ट में जो कैसे होगा, पहला वर्ष दूसरा वर्ष 98वां वर्ष 99वां वर्ष और फिर 1000 ये आया होगा, और ये क्या होगी, ये तो सेंचुरी होगी, और सेंचुरी की पहचान करते हैं किससे, 400 से, अच्छा अच्छा अरे हाँ वो तो 400 में 97 होगी, 97 ठीक है ना, 97 होगी, कोई नहीं वो मैंने गलत बता दिया, ध्यान नहीं करा मैंने, चलो कोई नहीं अभी तो हम क्लियर करेंगे इसे, पहले इसे उतारो, उतार के नहीं रहे हो तुम, उतार लिया ना, अब बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है ना, अब देखो आप शुरू से समझ रहे थे तो अब आते आते चीजें क्लियर हुई है तुम्हारी, अब यह देखो अब मेरा क्वेश्चन है आपसे क्या बताओ जी, लिख लो फिर लो, लिख क्यों नहीं रहे हो तुम, अब ऐसा है ना इस कॉन्सेप्ट को बीच में नहीं छोड़ा जा सकता, सुनो अब बहुत अच्छे काम करो, 10 मिनट की क्लास हो रही है इसे समझ लो, वरना अब जो है ना कल को देखो आपको समझ में आ जाएगा कल को, ठीक है ना, अब कल जो है अब बेस क्लियर हो चुका है आज, और इस वाले बेस को समझ लो वरना ये अधूरे में रह जाएगी बात, ठीक है ना, क्लास टाइम तो हो ही चुका है, अब समझो इस वाली बात, इधर देखो अब देखो हम निकाल लें 100 वर्ष का रिमाइंडर, रिमाइंडर निकाल लें, हाउ मेनी रिमाइंडर निकाल लें ना, तो रिमाइंडर के लिए आप क्या काम करोगे बताओ, एक वर्ष का रिमाइंडर एक होता तो 100 वर्ष का क्या हो जाएगा 100, लेकिन इसमें लीप ईयर भी लेंगे तो बताओ कितने लीप ईयर है इसमें, इसमें 24 लीप ईयर, इसमें कितने लीप ईयर है 24, तो बताओ कितना हो गया 124, बताओ 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 5, कितना आया अभी 5 रिमाइंडर आया, समझ रहे हो ना, तो इसलिए आप देख रहे थे जो 100वें वर्ष का आप ले रहे थे कितना लिया आपने 5, अब देखो आप अगला समझो 200 वर्ष का रिमाइंडर, तो बताओ एक वर्ष का रिमाइंडर कितना होता एक, तो 200 वर्ष का रिमाइंडर 2, लेकिन अब मुझे बताओ यहाँ इसमें बॉक्स में करा दो, इस वाले बॉक्स में अलग से करा दो, ये अलग चीज है ठीक है ना, बताओ 200 वर्ष में रिमाइंडर, तो बताओ कितने होंगे 200 को किससे डिवाइड करो 4 से, तो कितने होंगे 50, लेकिन 50 नहीं होंगे, क्यों नहीं होने के, क्योंकि एक तो 100वां वे 200वां वर्ष क्या है, वर्ष सेंचुरी है, क्या है सेंचुरी, और सेंचुरी की आप पहचान किससे करते हो 400 से, तो इसको आप 400 से डिवाइड हो रहा है, ये 400 से डिवाइड हो रहा है तो नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो इसलिए आपको पता है इसमें, इसलिए एल वाई कितने होंगे, तो ये होंगे 50 माइनस 2 कितने होंगे 48, तो बताओ 200 में कितने 48 लीप ईयर होंगे, जबकि होने कितने चाहिए थे 50 होने चाहिए थे, समझ रहे ना भाई, 200 वर्षों में 50 लीप ईयर होने चाहिए थे, लेकिन 50 न होकर क्या होंगे 48, क्यों होंगे, क्योंकि एक तो 100वां वर्ष और एक 200वां वर्ष, ये दोनों क्या हो चुके हैं सेंचुरी, और ये क्या हो गया 248, और इसे आप 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 3,
बता रहा हूँ पहले इस वाली बात को, अच्छा सेंचुरी को 400 से डिवाइड क्यों करते हैं, बाद में दूंगा इसका भी आंसर। और देखो ना ये चीजें अब यहाँ काम आ रही हैं, बड़ा इंटरकनेक्टेड हुआ है इसलिए बहुत सोच समझ के कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है कैलेंडर का। अगर वैसे कोई देखो कुछ चीजें ऐसी होती है कि पढ़ाते रहो, आप देख रहे हो पूरा चैप्टर लास्ट में आगे सब कुछ एक जगह मिक्स हो गया, और बहुत इसी वजह से आप देख रहे थे मैं ब्रेक कर करके आपको जो है पढ़ा रहा था। अब आप ऐसा आगे समझ बताओ, 300 वर्ष का रिमाइंडर बताओ कितना होगा, एक वर्ष का रिमाइंडर एक 300 का 300 बताओ इसमें कितने लीप ईयर होंगे। तो देखो 300 वर्ष में एल वाई कितने होंगे, तो 300 को आप 4 से डिवाइड कर दो तो कितने होंगे 75। आपको बता 100वां 200वां और 300वां ये क्या है, सेंचुरी है। तो बताओ इसको भी आप 400 से डिवाइड करो, इसको भी आप 400 से डिवाइड करो, और इसको भी आप 400 से डिवाइड करो, कौन सा डिवाइड हुआ ना, तो ये हुआ ना ये हुआ ना ये हुआ, तो बताओ क्या हो जाएंगे। इसलिए एल वाई कितने हो जाएंगे, 75 माइनस 3 कितने हो गए 72, कितने हो गए 72। ये तो अलग से बात थी, तो इसमें कितने लीप ईयर आए 72, इसके अंदर लीप ईयर आ गए, तो बताओ कितने हो गए 372। इसे जो है आप 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा, तो 300 का रिमाइंडर कितना आया 1, और यही मैंने तुम्हें लिखाया था। अब देखो शुरू में नहीं आ सकती इतनी बात समझ में, और शुरू में तुम्हें देखो शुरू में मैंने 400 वाली बात क्यों नहीं बताई, क्योंकि तुम्हें 400 का यूज नहीं पता था, इसलिए मैंने पहले एक क्वेश्चन बताया तुम्हें कि 400 की क्या इंपॉर्टेंस थी, तभी तो तुम्हारा फोकस गया। वरना अगर मैं देखो ये 100 वर्ष 200 का और 300 का निकाल लिया रिमाइंडर, मैं शुरू में भी निकाल सकता था, लेकिन शुरू में इसलिए नहीं निकाला तुम्हारा फोकस नहीं हो पाया, पहले मैंने उसकी इंपॉर्टेंस बताई कि क्या इंपॉर्टेंस है, तो तभी तो तुम इतना फोकस कर पा रहे हो इन वाली वर्ड पे। तो हर चीज का एक समय होता है कहाँ बतानी, अब मुझे लगा अब होने लगा आउट ऑफ रेंज है, चलो कोई नहीं थोड़ा सा हो रहा है इस वाले, लो पेज भी कंप्लीट हो गया, कितनी पेज थे रुक जाओ भाई। अब बात कर रहे हैं 400 वर्ष का रिमाइंडर, तो बताओ कितना होगा एक वर्ष का रिमाइंडर एक 400 का 400। अब बात करते हैं 400 वर्षों में लीप ईयर, अब यहां देखो 400 वर्ष में एल वाई कितने होंगे, तो 400 का आप एक काम करो 4 से डिवाइड करो, बताओ कितने होंगे 100, भाई 100 लीप ईयर होंगे। अब मुझे बताओ कितने लीप ईयर होने चाहिए थे, 100 होने चाहिए थे, कितने लीप ईयर 100, लेकिन आपको पता है एक तो 100वां वर्ष एक 200वां और एक 300वां और एक 400वां वर्ष सेंचुरी है, क्या है भी सेंचुरी, और इन्हें आप पहचान करते हो किससे, इसे भी 400 से डिवाइड करोगे, 200 को भी आप 400 से डिवाइड करोगे, 300 को भी आप 400 से डिवाइड करोगे, 400 को भी आप 400 से डिवाइड करोगे। भाई साहब आप यहां ध्यान से देखो, अब ये डिवाइड हुआ नहीं, ये डिवाइड हुआ नहीं, ये डिवाइड हुआ नहीं, लेकिन ये डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया ना, अगर ये डिवाइड हो गया इसलिए इसमें लीप ईयर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 100 माइनस 3 ये हो जाएंगे कितने 90। तो बताओ इसमें 97 तो क्या आ गए लीप ईयर, और ये कितने हो गए 497। ऐसे आप 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0। अब ये समझ में आ गया, और इसकी जरूरत क्यों है ये समझ में आया। अब देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या पूछता है, यूपीएससी आप निकालने के चक्कर में रहते हो डेट, यूपीएससी पूछता है सीधा बताओ 400 वर्षों में 29 डेट कितने टाइम्स आएगी, तो बताओ कितने टाइम्स आएगी। अब फिर फंस गए तुम, गलत आंसर, गलत आंसर, पहले तो इसमें देखो इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एग्जाम में दो क्वेश्चन पूछे, अच्छा ऐसा होता क्यों है। अब अच्छा ये बताओ
रिकॉर्ड है, एक वर्ष जो होता है वो कितने का होता है, वो होता है 365 दिन, और इसी में क्या बना देते हो क्या सिक्स के। और ये जो होता है ये पूछना अपने ज्योग्राफी बताएंगे तुम्हें, ज्योग्राफी मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं टाइम सोचती दो मिनट और रुके रहो, बस दो तीन मिनट में छुट्टी कर रहे हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट है, वरना कल क्या रिपीट करूंगा इस बात का, मैं ये भी तो जानो। देखो सुनो, क्वेश्चन मेरे दो हैं, मेरे क्वेश्चन है 400 वर्ष में 29 डेट कितने टाइम आती है, क्या पूछा मैंने डेट, अरे एक बात बताओ 29 डेट क्या जनवरी में नहीं आती है, क्या फर्क मार्च में ही आती है, अप्रैल में नहीं आती है, तो वो तो सब में आती है, बस डिपेंड किस पे करता है। तो देखो दो क्वेश्चन पूछा है, 29 डेट या 400 वर्ष में 29 फरवरी, तो देखो 29 फरवरी तो आती है 97 टाइम्स, कितने टाइम्स आती है, क्यों जितने लीप ईयर होंगे इतनी बारी क्या है कि 29 फरवरी, लेकिन इसने फरवरी ना पूछ के 29 डेट पूछ लिया, क्या पूछ दिया 29 डेट, समझ रहे हो ना। तो बताओ एक वर्ष में 29 डेट कितने टाइम्स आती है मिनिमम, भाई 11 बार तो आती जाती है भाई, जनवरी में आएगी, फरवरी छोड़ के मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर सब में आएगी ना, तो एक वर्ष में आप मानते हो कितनी बार, 11 बार तो आती है, और वर्ष कितने दिए हैं तुम्हें 400, तो 400 गुणा 11 तो ये आएगी, लेकिन 400 में फरवरी कितनी बार आएगी 97, तो प्लस 97 ही हो गया, तो हो गया 4497 कितनी बार, समझ रहे हो ना। तो क्वेश्चन जब आप, अब जैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, अभी तुम ये भी नहीं बता पाओगे, एक क्वेश्चन आप देखो, मेरा एक क्वेश्चन है, राम ने अपना जन्म भाई, राम अपना जन्मदिन, राम ने जो है ना 1912 में, राम ने अपना जन्मदिन 1912 में छठा जन्मदिन बनाया, कौन सा, सिक्स बर्थडे बनाया, मैं रुक जाऊंगा क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो तुम जो है ना देखो भाई, कोई है इन्हें 1912 में इसने कौन सा बर्थडे बनाया, सिक्स बर्थडे बनाया, कौन सा बर्थडे सिक्स, तो बताओ इसकी एज बताओ, जैसे आप मुझे बताओ आज कौन सा वर्ष चल रहा है 2022, आपने बताओ कौन सा बर्थडे बनाया इस बार, अरे बता दो, हाँ हाँ हाँ, चलो आपने जो है 18th बर्थडे बनाया, इसका मतलब आपकी एज कितनी होगी, मतलब 18 या 17, सिंपल है ना। अब बताओ इसने बेचारे ने इसने इसमें सिक्स बर्थडे बनाया, तो बताओ इसकी एज कितनी रही होगी 24, मुझे यही पता था तुम यही बताओगे, अभी से घर से करके लाओगे, पूछा हुआ है, और तुम कहाँ रहते हो, तुम रहते हो डेट के चक्कर में, रिफरेंस डेट निकालो, रिफरेंस डेट अब हम कल समझेंगे, रिफरेंस डेट निकालना, समझे नहीं समझे। अच्छा ये बताओ तुम इसमें कैलेंडर में कंफर्टेबल हो पाए थोड़े बहुत या नहीं, ऑनलाइन में बताओ, पहले से तो फायदा होगा है नहीं है फायदा, तो एक काम करते हैं इसमें कल छुट्टी मत करना, कल आपका कैलेंडर कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आपका मतलब एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगले वीक में हम कोई एक नया कॉन्सेप्ट आएंगे, ठीक है ना, अगले वीक हम जो है मैथ्स का ट्राई करेंगे, कुछ मैथ्स में करेंगे, किसी को कोई डाउट हो तो आप जो है पूछ सकते हो, और किसी का डाउट तो अपनी बात रखो, नहीं तो फिर जो है आज नहीं रहेंगे, चलो फिर थैंक यू।